हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है इंटीग्रल कैलकुलस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें, लॉग एक्स लॉग ई एक्स ई इंटू log e स्क्वायर एक्स ई इंटू ई अपॉन एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। देखो ये क्या है, लोग एक फॉर्मूला होता है, लोग ए बी इक्वल टू वन अपॉन लोग बी ए इक्वल टू क्या आ गया, ये वन अपॉन लोग ई एक्स लोग ई ई स्क्वायर एक्स लॉग ई ई पावर क्यू एक्स डी एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन। ये आशा ये आ गया। फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं, तुम्हें जैसे ये है लॉग एम प्लस लॉग एम मल्टीप्लाई एन, क्या जाएगा लॉग एम मल्टीप्लाई एन, क्या जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। सिमिलरली क्या जाएगा वन अपॉन एक्स लॉग ई प्लस लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई ई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग ये आ गया। तो लोग ई जैसे है, लोग ई इसकी वैल्यू कितनी होती है वन। अब मान लिया इसकी कितना आ गया वन आ गया, अब वन प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग ई की वैल्यू लॉग एक्स प्लस लॉग ई प्लस लॉग एक्स लेट्स लेट लॉग एक्स इक्वल टू पी वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी क्या आ गया वन अपॉन टी डी टी क्या वन अपॉन टी वन प्लस टी
टू प्लस टी लोग ई की वैल्यू बने जाएगी ना यहाँ से, टू प्लस टी थ्री प्लस टी डी टी होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको जो है मैं पार्शियल फ्रैक्शन में वो कर दूंगा, तो इसको कर सकते हैं ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में एबीसी की वैल्यू निकाल लो, निकाल लो क्या जाएगा एबीसी वैल्यू, इस कैल्शियम लेके फिर दोनों को वो करके क्या जाएगा। क्या गया ए बराबर 1/2, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तो इसकी वैल्यू यहां रख दूंगा मैं। ए 1/2 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन डी टी प्लस 1/2 प्लस टी डी टी होता गया 1/2 log 1 प्लस टी, क्या आ गया 1/2 लोग थी प्लस थी, यह आ गया। और टी की वैल्यू क्या है, वेयर टी की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ से, लोग एक्स रख दूंगा, क्या रख दूंगा टी की वैल्यू क्या जाएगा, लोग एक्स क्या जाएगा 1/2 प्लस सी, ये इसका आंसर है, ये इसका प्लस सी क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर है, ठीक है भाई। देखो ये दे रखा है इसका लोग ए बी इक्वल टू बोलो फोन डी ए लोग ए, इसका ये कर लिया, फिर जो है लोग एम इंटू एन लोग एम इंटू एन क्या आएगा, लोग एम एन लोग एम प्लस एन, ये लोग एम प्लस एन हो गया, लोग ई की वैल्यू क्या आ गया एन हो गया, लोग एन में ये आ गया लोग एम एन एम का स्क्वायर क्या आ गया टू लोग एम, ठीक है टू लोग एम फिर टू लोग ई, ये क्या आ गया थ्री लोग ई, फिर लोग ई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये क्या आ गया एक्स तो बाहर आ गया सारा ये 1, ये लोग एक्स को क्या मान लिया मैंने टी मान लूंगा, तो क्या आएगा 1/ एफ डी एक्स इक्वल टू डी टी, नहीं 1/ ये एक्स और डी एक्स और डी टी आ गया, 1/ टी ये रैशनल नंबर, इसको क्या कर दिया मैंने अलग करके जो है 1/ ए अपॉन 1/2 बी अपॉन टी सी अपॉन टी कर दिया, तो फिर इसको जो है सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई हाफ, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, सी की वैल्यू क्या आ गई 1, इस वैल्यू को ए बी सी को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गया 1/2 लोग 1 प्लस टी लोग 2 प्लस टी लोग 3 प्लस टी, दैट इज ये इसका आंसर आ जाएगा, ये क्या इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
कुछ इसके रिजल्ट हैं जैसे अगर मान लिया क्वाड्रेटिक इनटू डीएफ, क्या है क्वाड्रेटिक को और फिर डिफरेंशियल लेना हो, क्वाड्रेटिक से क्या लेना हो डिफरेंशियल से क्या है रूट ये क्या रहता है इसका एक्स एक्स एस क्या है एक्स बाई टू एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू लोग ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आया सर। और सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स बाई टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बाई टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर तेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा एक्स बाई टू एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखो भाई अगर कोई ये क्वाड्रेटिक इनटू डीएक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू लोग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स सिमिलरली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू लोग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टी और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इस तरह की वैल्यू आ जाती है। ठीक है भाई अगर कहीं इस तरह की हो क्या बोल रहे जैसे लीनियर हो और क्वाड्रेटिक ये लीनियर और क्वाड्रेटिक हो तो पहले सब्स्टिट्यूट फॉर लीनियर क्या है सब्स्टिट्यूट फॉर लीनियर लीनियर को सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे एम इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस एम
प्लस एन, एम कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का डिफरेंशियल प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर एम एंड आर where m and n are, where m and n are comparing coefficient of x, where m and n are comparing coefficient of x. लीनियर वन इंटू लीनियर टू, ये क्या मान लेंगे, लीनियर लीनियर वन फोन लीनियर टू, उसका इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन लीनियर टू का और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंस, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट इंटू आएगा, लीनियर वन डी एक्स अपॉन लीनियर टू का स्क्वायर रूट, लीनियर टू अपॉन लीनियर वन इक्वल टू डी एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल x माइनस थ्री रूट एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री रूट एक्स प्लस वन का डी एक्स, जो भी इसके लीनियर टू वो है, इसमें इसमें क्या करेंगे, इसमें कहेंगे सब्स्टिट्यूट, ई स्क्वायर फोर लीनियर सी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट ई स्क्वायर फोर लीनियर टू, ई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फोर लीनियर टू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट को ठीक भी कर लेंगे। अच्छा, अब क्या आ जाएगा इसमें, एक्स प्लस वन को क्या मान लेंगे, पी स्क्वायर नेट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, देन
2f dx is equal to 2 dt. x plus 1 is equal to t square, then x and x minus 3 क्या जाएगा यहां से? x minus 3 equal to c square minus 4. क्या जाएगा? C square minus 4. टू डी आ जाएगा, टू डी डी टी अच्छी हटी जाएगा, यह टू बाहर जाएगा, क्या आएगा? टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस फोर इट इंप्लाइज दैट टू इंटीग्रेशन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या जाएगा? log t माइनस टू क्या जाएगा? वन बाई टू ए वन बाई क्या जाएगा? टू इंटू वन बाई टू ए log t माइनस टू अपॉन t प्लस टू क्या जाएगा? log t माइनस टू अपॉन t प्लस टू प्लस टी टी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं? t की वैल्यू f प्लस वन क्या जाएगा? log टू से टू गया वन बाई टू लॉग लॉग क्या जाएगा? टी की वैल्यू क्या जाएगा यहां से? रूट एक्स प्लस वन क्या जाएगा? रूट एक्स प्लस वन माइनस टू रूट ये आ जाएगा. ठीक है, अगर कहीं ये हो अगर क्या है डी ने वो ये क्वाड्रेटिक को डी ने यहाँ हो क्वाड्रेटिक यहाँ हो एक्स सब्स्टिट्यूट फॉर वन अपॉन टी इक्वल टू लीनियर वन अपॉन टी इक्वल टू क्या मान लेंगे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वन अपॉन टी इक्वल टू लीनियर फॉर एग्जांपल ये इसको करो सोल इसको करके दिखाओ सर
क्या हो गया भैया ये, इसमें जो है डी मेरे को क्या मान लूंगा मैं, टी मान लूंगा, क्या मान लूंगा, टी लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू सी, लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, तो डी एक्स वन अपॉन टी बन गए, लेट एक्स प्लस वन इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। एक्स प्लस वन को क्या गया वन अपॉन टी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से वन अपॉन इज इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन बाई टू माइनस वन, तो क्या एक्स बाई टू वन बाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन आ गया वन अपॉन टी, वन अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के वन और माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर डी टी, क्या आ गया भैया क्या वन माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी अपॉन वन अपॉन टी वन माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर, एक टी तो यहां से आएगा, एक टी यहां से आएगा, वन वन अपॉन टी का स्क्वायर आएगा डी टी। इतना जगह नहीं कर लो यार ये, अब इससे ये जाएगा माइनस आ जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा वन माइनस टी का स्क्वायर इसे कर लो एफ स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा वन इससे माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर माइनस टू सी माइनस वन और सी का इंटीग्रेशन इस वन से बन जाएगा क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस टू सी, क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस टू टी, ये आ गया क्या क्या आ गया फिर क्या आ गया वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू पी, टी स्क्वायर माइनस टू सी डी पी इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर माइनस टू पी का इंटीग्रेशन आ गया, ये टी स्क्वायर माइनस वन यहां भी आएगा,
यहाँ क्या गया टी स्क्वायर आएगा, क्या गया माइनस का टी स्क्वायर, माइनस के टी स्क्वायर, ये क्या गया माइनस का टी स्क्वायर, इस माइनस के टी स्क्वायर है प्लस टी स्क्वायर, क्या गया वन माइनस टू टी, क्या गया वन माइनस टू टी डी टी, क्या गया वन माइनस टू टी डी टी, यहाँ आ जाएगा ये तो टी स्क्वायर माइनस वन बीता गया, ये टी स्क्वायर यहाँ यहाँ आ जाएगा वन माइनस टू टी डी टी, वन माइनस टू टी डी टी का क्या आ गया ऊपर आगे क्या आ गया वन माइनस टू टी की पावर हाफ माइनस वन डी टी, ये आ गया वन माइनस टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अभी तो एक्स सीधा एक्स है, एक्स की पावर एन, क्या कहता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा भाई ये माइनस भी है, माइनस जो है बाहर जाएगा और माइनस टू का कोफिशिएंट में नीचे क्या जाएगा टू क्या जाएगा, क्या जाएगा वन माइनस टू टी, क्या जाएगा वन माइनस टू टी का हाफ अपॉन टू इंटू माइनस हाफ प्लस सी, वन माइनस टू टी का हाफ हाफ टू माइनस टू इंटू टू, ये माइनस भी आ रहा है माइनस टू इंटू टू इस टू से टू जाएगा, वन माइनस टू टी का हाफ माइनस हाफ प्लस सी जाएगा, वन माइनस टू टी जाएगा वन माइनस बाद में सी लगा वन माइनस टू टी का हाफ प्लस सी। अब टी टी की वैल्यू क्या आ गई, अब यहां से टी की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, ठीक है एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टी, तो टी इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, टी की वैल्यू हेयर हो जाएगी यहां से वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन टी इसका आंसर है। वही एक्स प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वन और माइनस टू क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, क्या आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, क्या आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन सी आ गया। देखो भाई अगर लीनियर जो लीनियर और क्वाड्रेटिक है सबसे पहले जो है सब्सटीट्यूट कर लूंगा लीनियर को वन अपॉन टी में, दैट इज एक्स प्लस वन को क्या मान लिया वन अपॉन टी, सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ गया। एक्स की वैल्यू यहां रख कर दूंगा, एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहां रख दूंगा, ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ये माइनस, ठीक ये माइनस यहाँ चला रहा, ये भी माइनस चलाएगा, एक यहाँ माइनस आएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब क्या आ गया डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन टी माइनस वन, एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी माइनस वन रख दी, एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन अपॉन टी, तो इसका जो है इंटीग्रेट इस तरह जो है सोल्व कर दिया, तो ये सोल्व करके क्या आएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर टी रूट बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा वन अपॉन टी टी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गया वन अपॉन टी स्क्वायर, ये आ गया वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये ना वन माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर के माइनस वन क्या आएगा वन माइनस टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये आ गया फिर से सोल्व कर लेंगे क्या आ गया वन माइनस टू टी का हाफ, अब मैं टू टी का हाफ करके क्या आएगा एक माइनस यहाँ क्या आएगा एक्स टू पावर एन का माइनस हाफ माइनस टू भी आएगा नीचे, और इस माइनस भी आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और टी की वैल्यू मैंने भाई साहब भाई भाई साहब टी की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया टी की वैल्यू क्या आ गया वन अपॉन एक्स प्लस वन रख दूंगा, ये आ गया एक्स प्लस वन माइनस टू, तो क्या आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस के सी, ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, देखो देख लगाते हैं अगर कहीं ऐसा हो
वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी वन अपॉन ए एफ डी एक्स अपॉन ए एफ स्क्वायर प्लस बी, ये क्या है सी एक्स स्क्वायर, ये कहा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी का ए. If the picture is given in this form, dx upon ax square plus b, a root square 3x square plus b, इसको substitute कर लेंगे, substitute for x is equal to 1 upon c, substitute 1 upon c को prove कर लेंगे, अगर इसको x को 1 upon c में मान लिया इसको वो करा तो जी दियो इंटीग्रेशन विल बी रिड्यूस इन नी फॉर्मेट दैट इज दैट वी हैव सी टी स्क्वायर प्लस क्यू ई टी स्क्वायर प्लस क्यू ये आर टी स्क्वायर प्लस एक्स डी टी. ये इस फॉर्म में है कि देन सब्स्टिट्यूट आर टी स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू थ्री, फिर सब्स्टिट्यूट करो आर टी स्क्वायर प्लस एस को, आर टी स्क्वायर प्लस एस को यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्म में, अगर कोई पहले एक्स से क्या कर देंगे वन बाई टू कर देंगे वन बाई टी, फिर जो जिस फॉर्म में है जो रिड्यूस होगी फॉर्म ये आ जाएगी, ये इन न्यू जन जनरेट कंडीशन, फिर इसको आर टी स्क्वायर प्लस को यू में फिर इसके मान के कर लूंगा दैट इज विल बी टू द आंसर दैट, जैसे एग्जांपल है dx of chair dx dx sin 11x cos x और इसका क्यू इसका इंटीग्रेशन dx sin क्यू x cos x इसका. अब अगर मैं ये देखूं ये जो है इसकी पावर ये ना साइन क्यू एक्स कोस एक्स की पावर थ्री भी है और वन पॉइंट भी है, इसको कर सकता हूँ साइन इलेवन एक्स कोस एक्स की पावर वन बाई थ्री, क्या गई वन बाई थ्री अपॉन वन डी एक्स, इसको क्या कर सकता हूँ वन अपॉन साइन इलेवन अपॉन थ्री एक्स कॉस वन बाई थ्री एक्स डी एक्स, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं क्या आ गया साइन माइनस इलेवन अपॉन थ्री एक्स कॉस माइनस वन बाई थ्री एक्स डी एक्स, ये आ गया, यानी कि इसकी जो पावर है वो कौन सी है कौन सी पावर है इसकी माइनस एक्स इलेवन बाई माइनस थ्री है और आएगा माइनस वन बाई थ्री, इनका सम क्या आ गया माइनस, यानी इनकी जो पावर का सम है क्या है माइनस फोर है, यानी माइनस फोर का मतलब क्या है इवन है और फोर द सम ऑफ इज इवन दैट द सम ऑफ दिस क्वेश्चन द पावर इज फोर, तो फोर हो गया तो कुछ तो इवन है तो देन अगर इवन है तो क्या पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन टी, एक्स इज इक्वल टू टेन टी, तो क्या अगर डी एक्स इज इक्वल टू टेक स्क्वायर टी डी टी,
So dx is equal to 1 upon sec squared t dt. Once dx is equal to 1 upon sec squared dx upon cos squared sec squared of cos squared. Dx is equal to 1 upon cos squared t dt. Dx is equal to 1 upon cos squared t dt. तो tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो t. तो dt is equal to, तो यहां पे अच्छा यहां पे क्या जाएगा देखो इसके बाद 1 upon sin की पावर 11 की पावर 3x cos की पावर 1 by 3x dx. या इसको क्या करा मैंने इसे tan में इसको tan में करने के लिए इसको tan में करने के लिए क्या करूं cos 11 by 3x वो क्या है cos 11 by 3x से दोनों तरफ क्या कर दूंगा ये डिवाइड कर दो और मल्टीप्लिकेशन कर दो क्या कर दो एक बार सिर्फ डिवाइड एक अपॉन ये क्या गया tan 11 की पावर 3x क्या गया tan 11 की पावर 3x tan 11 की पावर 3x cos की पावर 4x dx ये आ गया अभी आ गया 1 upon ये आ गया 1 upon क्या है tan की पावर 3x नेमिंग cos की पावर 4x इसको cos square 4 को क्या कर दूंगा मैं sec की पावर 4x क्या है tan 11 की पावर 3 f इंटीग्रेशन dm इस sec स्क्वायर 4x को क्या कर लूंगा मैं sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x अपॉन tan की पावर 11 बाय 3 x इज dx इस sec स्क्वायर x का फार्मूला लगा लूंगा मैं क्या लगा लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या आ गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो आ गया sec स्क्वायर एक्स अब मैं टेन एक्स को क्या मान लूंगा टी मान लूंगा टेन एक्स को क्या मान लूंगा मैं टी मान लू लेस टेन एक्स इक्वल टू सी अब मान लूंगा टेन एक्स इक्वल टू टी तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू sec square x dx is equal to dt. तो sec square x dx is equal to dt आ गया क्या गया अब ये क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस t square dt upon
टी की पावर 11/3 इधर इधर आ गया, टी की पावर -11/3 एक्स जाएगा, टी की पावर माइनस ऐसे अलग अलग कर दूंगा 1/4 टी की पावर 11/3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 11/3 इंटू डी एक्स, ठीक है, टी की पावर -11/3 प्लस 2 -11/3 क्या जाएगा, 2 -11/3 6 टी की पावर -5/3 डी एक्स डी एक्स, टी की पावर -3 क्या जाएगा, टी की पावर एन का एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन क्या जाएगा, टी की पावर -8/3 अपॉन -8/3 ये कह रहे टी की पावर -2/3 अपॉन -2/3 प्लस टी की पावर -8/3 -8/3 टी की पावर -2/3 -2/3 जो आ गया ये क्या आ गया माइनस की 8/3/8 -3/8 टी की पावर -8/3 -3/2 टी की पावर -2/3 प्लस सी वेयर टेन एक्स इज इक्वल टू वेयर टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसकी टेन एक्स की वैल्यू टी मान लूंगा। देखो भाई एक सवाल है 3 dx / 3 साइन की पावर 11 cos x, अब क्या है कि साइन की पावर अब 11/13 आ गया, 4/13 ये है ना, अगर यहाँ क्या है एक्स की पावर 4³ हो तो इसे क्या लगता है एक्स की पावर 4³ 1/3 है, एक्स की पावर 4/3 ये आ जाएगा, एक्स की पावर 11/3 है, 4³1/3 है ये। अब क्या करा मैंने इसको टेन बनाने के लिए cos 11/3 है, cos 11/3 से दोनों तरफ से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो साइन अपॉन कोस क्या आ गया ये क्या गया टेन आ गया नीचे, और कोस की पावर 1/3 कोस की पावर 1/3 क्या आ गया कोस की पावर कोस की 4² x 1/4 कोस क्या sec sec की पावर 4x sec स्क्वायर की पावर 4x को क्या कर दिया sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x का मान फॉर्म रख दिया इसका रख दिया 1 + tan² एज इट इज tan की पावर 11/3। अब क्या कर दिया इसको मैंने tan x को t मान लिया, tan x को dx dt = sec स्क्वायर dx sec स्क्वायर dx को ये t मान लिया, क्या आ गया 1 + t² / t इसको अलग अलग कर दिया तो ये आ गया अब x पावर n से ये x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसे ये कर दिया और ये आ गया ये -3/8 t पावर -8/3 -3/2 t की पावर -2/3 वेयर टेन एक्स इक्वल टू टी ये इसका आंसर आ गया वेयर टेन एक्स इक्वल टू टी। अब आगे देखते हैं हम क्या सवाल है, देखो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 sin 2x साइन एक्स अपॉन 2 + sin 2x डी एक्स क्या क्या साइन एक्स 2 + sin 2x डी एक्स। अब इसको सोल्व करना है, देखो थोड़े ट्रिक लगाएंगे इसमें, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट वो नहीं है, कोऑर्डिनेट लीनियर वाला ax² + bx या ax + b का होल स्क्वायर बन जाता था, कोई इसमें कोई सीधा फॉर्मूला भी लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे लगाओ दिमाग ये गिवन है ये साइन एक्स क्या है गिवन है साइन एक्स, साइन एक्स को क्या कर सकते हैं इसे कर सकते हैं साइन एक्स क्या कर सकते हैं साइन एक्स ये है ना, देखो
एक्स है, एक्स को क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इस वाई से बढ़ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स से एक ये कर दो, नहीं कोई भी एक कोफिशिएंट या कोई भी नंबर में जोड़ के इसलिए माइनस कर दो, एक्स प्लस एक्स कर दो, वन बाई टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये आगे। अब देखो इसको अलग अलग कर दूंगा, क्या आ जाएगा ये अभी क्या हो गया भैया, इसको टू प्लस साइन टू एक्स है, क्या है उस? इसको किसको कह सकता हूं, टू प्लस टू प्लस टू साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, टू साइन एक्स कोस एक्स, क्या आता है टू साइन एक्स कोस एक्स। साइन टू एक्स क्या आयो, साइन टू एक्स इसे क्या कर सकता हूं, टू साइन एक्स कोस एक्स, इसे क्या करता हूँ, टू प्लस टू प्लस वन प्लस टू साइन एक्स कोस एक्स, वन को क्या फॉर्म लगा देता हूं मैं, साइन एक्स ये करता हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है भाई हाँ, क्यों बाहर जाएगा ये प्लस क्या है, टू प्लस टू साइन कोस एक्स, टू प्लस टू साइन कोस एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरह इसे क्या कर सकता हूं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से ये तो ये आ जाएगा इसका सिमिलरिटी। लेकिन अब इसका
देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ये रखा डिफरेंशियल। अब देखिए इसका डिफरेंशियल यहां अगर प्लस इन मैंने ये लिख दिया ये, तो इसका डिफरेंशियल ये नहीं रखा तो इसे माइनस बना लू, क्या बना लू मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स कर लू, क्या कर ला लू क्या बना लू इसी तरह मैं कर लू साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, क्या बना लू साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, जब साइन एक्स माइनस के कोस एक्स बनाऊंगा ये तो यहां भी आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर क्या जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर कोस एक्स, और यहां से ये प्लस का है तो इसको जो है माइनस का शुरू बाहर ले लूंगा, क्या ले लूंगा इसको माइनस माइनस का ले लूंगा, और चाहिए कितना यहाँ टू, तो यहाँ ये माइनस थ्री कर दूंगा, इसे कर सकता हूँ थ्री माइनस साइन माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये साइन एक्स वन बाई टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन थ्री माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, यहां भी इंटीग्रेशन आ गया, यहां भी इंटीग्रेशन हो गया, अब देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स पे जब टी मान लूंगा तो ये इसके अंदर डी टी आ जाएगा, देखा वन बाई टू टी टी माइनस थ्री माइनस टी स्क्वायर, क्या आएगा वन बाई टू क्या आएगा वन बाई टू डी टी थ्री माइनस टी का स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी मान लूंगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, जाएगा वन प्लस टी का स्क्वायर वन प्लस टी का स्क्वायर जी, अच्छा ये आएगा वन अपॉन टू डी टी अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर डी टी, ये आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वन बाई टू ए वन बाई टू ए लॉग लॉग एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लॉग माइनस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए क्या लॉग रूट थ्री प्लस टी अपॉन रूट थ्री माइनस टी माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर क्या आएगा टेन इनवर्स टी प्लस से सी जगह वन बाई फोर रूट थ्री वन बाई टू इंटू टू रूट थ्री वन बाई टू रूट थ्री क्या आ गया देखो अब मान लिया इसको ये डी टी मान लेंगे, देखो ये टी है तो इसके टी में मान लिया यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको यू यू अलग जब अलग अलग है तो यू यू टेन इनवर्स यू टेन इनवर्स यू तो रूट टू वेयर वन अपॉन फोर रूट थ्री लॉग रूट थ्री प्लस टी अपॉन रूट थ्री माइनस टी माइनस टेन इनवर्स यू प्लस वेयर टी टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, वेयर टी की वैल्यू क्या है वेयर टी इक्वल टू क्या है साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, टी की वैल्यू क्या है टी की वैल्यू है साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, यू की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, ये टी की वैल्यू है भाई, ओ भाई ये है यू की वैल्यू, क्या है सवाल साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन टू एक्स डी एक्स था, इसको साइन एक्स को करने के लिए साइन प्लस कोस एक्स साइन एक्स कर लिया अपॉन टू है, ये इसको अलग अलग कर देंगे इस फंक्शन को इधर इस फंक्शन को इधर, इसको जो है इसके डिफरेंशियल इसका नीचे रखना है तो इसको साइन एक्स माइनस कोस एक्स की फॉर्म में बदल दूंगा, इसका डिफरेंशियल कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाए तो इसकी कोस एक्स प्लस साइन एक्स की इसे देख के इसको चेंज कर दूंगा, इसको टी मान लेगा इसका डिफरेंशियल अलग करूंगा इसको टी मान लूंगा तो इसका इसका क्या आ जाएगा
जैसे ये टी मान के यहाँ आ गया, इसको यू मान लूंगा तो क्या आ गया, वन प्लस यू स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ए लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और यह वन अपॉन टी का वन अपॉन यू का स्क्वायर वन अपॉन यू का स्क्वायर टेन इनवर्स यू प्लस सी, वेयर टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ये है नीचे वाली साइन एक्स माइनस के कोस एक्स, और इसकी वैल्यू यू की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, इस तरह की हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे अब क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी इनवर्स, ये मान लिया वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स एक्स, और इस तरह ही कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी भाई फाइव बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहां पर बात नहीं होगी कोस ये आ गई फाइव बाई टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स, अब देखो साइन इनवर्स एक्स तो जुगत हूं है प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई टू माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स, मान ले ये तो ए इक्वेशन है, ये क्या है बी इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करते हुए क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस के पाई बाई टू माइनस इनवर्स एक्स अपॉन पाई बाई टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा, हम क्या आ गया ये टू अपॉन पाई टू अपॉन पाई, इधर क्या आ गया ये साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू, ये सब इंटीग्रेशन टू अपॉन पाई, तो यह टू अपॉन फाइव साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स माइनस फाइव बाई सिक्स, फिर इसको अलग अलग कर दूंगा, ये क्या आ गया फोर अपॉन फाइव इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स माइनस टू से टू जाएगा पाई से पाई जाएगा dx, लेट 4 अपॉन पाई अपॉन ये आ गया dx, x का तो 1 x क्या जाएगा 1 का क्या है 1 का क्या जाएगा x आ जाएगा, क्या जाएगा 1 का क्या जाएगा x आ जाएगा
उसका तो फोन ही। अब साइन इनवर्स एक्स का जिससे पहले भी करा था, साइन इनवर्स एक्स का क्या हम किससे करेंगे, एक्स को क्या मान लूंगा बताओ, एक्स को क्या मान लूंगा, एक्स को टेन स्क्वायर थीटा मान लूंगा, एक्स को क्या मान लूंगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो टू एक्स इक्वल टू टू टेन की थीटा टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर, तो फोर अपॉन पाई ये इंटीग्रेशन देगा, फोर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को, एक्स को क्या मान लूंगा टेन थीटा मान लूंगा, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स टेन थीटा एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा इन टू टू टेन थीटा इन टू टू टेन थीटा साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा टू थीटा डेट बी डेट स्क्वायर थीटा, देखो ये तो लंबी हो गई बात, ये अपने गलत मान लिया, एक्स को ही क्या मान लूंगा मैं, एक्स को ही क्या मान लूंगा साइन स्क्वायर थीटा मान लूंगा, एक्स को क्या मान लूंगा यहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, आया चाहिए एक्स को क्या मान लू साइन स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, और साइन ये रूट में भी है, ये एंगल क्या है साथ में रूट में है, तो क्या आ गया स्क्वायर, मैंने इसलिए माना था देख के क्योंकि एक्स तो यार रूट में है, फोर फोन पाई साइन इनवर्स साइन थीटा टू कोस टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा माइनस डी एक्स से क्या आएगा एक्स माइनस से एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ गया थीटा आ गया, ये थीटा इंटू साइन टू थीटा फोर अपॉन पाई माइनस एक्स माइनस थीटा साइन टू थीटा माइनस अपॉन एक्स, चलो फिर यही कहीं लगा लो नहीं तो कट्ठे ही बाद में लगा लेना, चलो यही लगा लेते किसी खुद लग को, अब थीटा साइन टू थीटा का है इसमें जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगा देंगे, क्या आ गया साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कोस टू थीटा माइनस थीटा इंटू कोस टू थीटा माइनस थीटा कोस टू थीटा अपॉन टू माइनस का डिफरेंशियल हो गया, फिर क्या आ गया कोस टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा, फिर मैं डिफरेंशियल कर लूंगा क्या आएगा साइन टू थीटा अपॉन टू, क्या आएगा साइन टू थीटा अपॉन टू, ये करेगा देखो एक तो यहां से ई आएगा, फिर जो इसका डिफरेंस दो बार आएगा साइन टू थीटा अपॉन फोर माइनस एक्स प्लस सी, फोर अपॉन साइन माइनस थीटा कोस टू थीटा अपॉन टू प्लस साइन टू थीटा अपॉन फोर, अच्छा माइनस माइनस क्या आएगा यहाँ से जो जो है कोस का जब करूंगा इंटीग्रेशन साइन साइन का क्या प्लस किया गया साइन आएगा, इन दोनों को बाय पार्ट्स के इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगा लू यहाँ थीटा अपॉन कोस टू थीटा साइन टू थीटा प्लस के सी, अब क्या आ गए
4 अपॉन पाई थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स कॉस 2 थीटा। सब क्या है, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या आ जाएगा, वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा, टू क्या, वन माइनस टू एक्स क्या आएगा, ये वन माइनस टू एक्स क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स आएगा, यहां क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स याद है ना, वस्तु टू से टू के ऊपर टू से टू कर लूंगा है ना, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस टू एक्स है क्या है, वन माइनस टू एक्स है ये क्या है, कोस 2 थीटा इक्वल टू वन माइनस टू एक्स, ये क्या आ गया, वन वन पॉइंट फोर पॉइंट साइन इनवर्स एक्स वन माइनस प्लस साइन 2 थीटा, प्लस क्या है साइन 2 थीटा, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाल लूंगा वहां से, टू साइन थीटा कोस थीटा यू टू रखूंगा इसको, क्या रखूंगा, तो टू से टू आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे रूट एक्स, और वन माइनस कोस क्या जाएगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये आएगा साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस टू रूट एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अच्छा, जब इनका जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, टू और फोर एलसीएम क्या आ जाएगा, ये फोर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा, ये और फोर में यहाँ क्या आएगा, टू और आ जाएगा, क्या आएगा, टू आ जाएगा, इस फोर से फोर जाएगा, क्या आएगा, वन अपॉन फाइव माइनस टू साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स प्लस टू रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस सी किया, इसका ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से दो इन दोनों में से बाहर आ गया, दो इन दोनों में से बाहर आ गया, क्या आ गया, दो दो इन दोनों क्या बाहर को मिल जाएगा, टू अपॉन पाई क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स वन माइनस टू एक्स क्या आ गया, वन माइनस टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, ये आंसर। ठीक है भैया, देखो ये क्वेश्चन था, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स को पाई बाय टू मान लिया, कोस इनवर्स एक्स इधर आ गया, आ गया, अब यह साइन इनवर्स को जीरो तुम कोस इनवर्स की वैल्यू रखी थी पाई बाय टू रख ली, क्या गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स एक्स, क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, सो ये आ गया टू साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू, ये आ गया। अच्छा अब दो दोनों में कॉमन लिया, क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या गया साइन इनवर्स एक्स माइनस डी एक्स,
अब क्या है साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लूंगा, सी मान लूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा साइन इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया 4 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 2। अब इसको क्या करा मैंने, इसको सी मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने सी मान लिया, इसको क्या मान लिया भाई मैंने सी मान लिया, और फिर जो है एक्स को जो है साइन स्क्वायर थीटा करता रहूंगा, और फिर डी एक्स को एक्स करता रहूंगा, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा रख दिया, फिर जो है थीटा इनकी इनके पार्शियल जो है इंटीग्रेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म लगा लिया, फिर ये आ गया, तो दैट इज सोल्व, ये आ गया 2 साइन साइन इनवर्स एक्स, इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़े अब एक क्वेश्चन है, इसको घर से करके लाना है, कौन सा क्वेश्चन है आया हुआ है आईआईटी में, एक्स की पावर 3m, एक्स की पावर 3m, एक्स की पावर 2m, एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m अपॉन इनटू मल्टीप्लाई 2x की पावर 2m, 2x की पावर 2m प्लस 2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6, 3x की पावर m प्लस 6, 6 का इंटीग्रेशन निकालना है, किसका निकालना है, x की पावर m 3m, x की पावर 2m प्लस x की पावर m, 2x की पावर 2m, 2 3x की पावर m प्लस 6 की पावर 1/m, 1/m, दैट इज सोल्व। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट टर्न पे इसको सोल्व करेंगे, ठीक नहीं है देख लेना क्या करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें जो है x से डिवाइड कर देंगे, पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसे घर से करके लाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स ऑफ ऑल।